दर्शकों, हम सभी के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि सृष्टि चक्र कब प्रारंभ हुआ और कब तक ऐसा चलता रहेगा। प्रकृति की इस सृष्टि चक्र में क्या भूमिका है? परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि से इसका क्या संबंध है? तीनों का आपस में क्या संबंध है? हम कहते हैं कि हम सब प्रकृति के वश में हैं, तो सभी प्राणी कैसे प्रकृति के वश में रहते हैं? मनुष्य में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कैसे अलग-अलग तरह के कार्य करते हैं? भगवान के अवतार होते हैं, वो मनुष्य के रूप में भी आते हैं, तो वो साधारण मनुष्य और अवतारी मनुष्य पुरुष जो भगवान के अवतार होते कैसे अलग हैं? इन सब के उत्तर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों में दिया है। आइए समझते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। इसका मतलब यह है कि सारे भूत प्राणी जितने भी हैं वो सब अपनी प्रकृति को जाते हैं, मेरी प्रकृति जो मैंने बनाई है उस प्रकृति के ही वश में है, प्रकृति को ही जाते हैं हर हर एक व्यक्ति। और ये प्रकृति भी कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, ये प्रकृति भी पूरे कल्प रहती है और कल्प के बाद एक पूरे कल्प के बाद मैं फिर दोबारा इसकी रचना करता हूँ। तो कल्प का जो पीरियड है कि एक कल्प से दूसरे कल्प में प्रलय हो जाती है और सब लोग अपनी प्रकृति को जाते हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है। अगर सच पूछा जाए तो हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, इसको ऐसे भी ले सकते हो, आपका स्वभाव दिन के स्वभाव से मैच नहीं खाएगा, किसी का भी किसी से मैच नहीं खाएगा, तो हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है। तो जो जब भी कहते हैं कि आप सेल्फ रियलाइजेशन, अपने को पहचानो, उसके हिसाब से एडजस्ट करो, तो यही इसमें दोनों मतलब हैं। मान दोनों क्या मतलब, सही तरीके से माने तो यही है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहा है। जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जितना जितना परसेंटेज जिसमें जो है उस हिसाब से उसकी प्रकृति बनी है वैसी ही है, और उसके बाद पित्त कफ कह लो या जो कुछ भी, सब प्रकृति के साथ, सब चीज़ प्रकृति से ही डिवाइड हुई है और प्रकृति के अनुसार हर आदमी इसलिए डिफरेंट है। और उसको अपने को पहचान के अपने को एडजस्ट करो दोस्तों। जब तक अपने को पहचानोगे नहीं तुम एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे लोगों में, एडजस्ट नहीं कर पाते तो आप अपने दुखी होगे। लेकिन अपने प्रकृति को सब लोग पा रहे हैं और ये सारी प्रकृति जो है कल्प के शुरू में पैदा होती है, मैं रचना करता हूँ, और कल्प के अंत कल्प में का मतलब क्या होता है? एक जो पूरा मतलब पूर, 5,000 10,000 जो, पूर, बहुत उसके बाद सारे सारा जगन जलमग्न हो जाएगा। जिन्होंने चार चतुर्योग और फिर इस तरह से बनाए हैं कि कल्प बहुत का पूरा पीरियड दिया है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं, लाखों वर्षों का है। प्रकृतिम स्वामवष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राममिमं कृत्स्ना मम वशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिम स्वामवष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः। तो अगर अब देखें अवस्तव्य मतलब अपने से ही प्रकृति की रचना मेरे द्वारा हो रही है और सब उसी प्रकृति के वश में हैं, सब परतंत्र हैं, प्रकृति के परतंत्र हैं, सब गुलाम हैं प्रकृति के, अपनी अपनी प्रकृति के सब गुलाम हैं। और वो यही कहते हैं भाई मुझसे ये नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रकृति के गुलाम हैं। भूत ग्राम विवशम, जो पूरा प्राणी भूत ग्राम मतलब जितना भी पूरा पूरा ग्राम है भूतों का, प्राणियों का जितना भी पूरा है, सब अवशम परतंत्र हैं और प्रत्येक वर्ष सब प्रकृति के वश में हैं सभी लोग। तो ऐसा नहीं है कोई भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान सकता, स्वतंत्र वही है जो सेल्फ कंट्रोल जितना कर ले। तो जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करोगे तो जितना अपने आप को कंट्रोल करोगे उतना ही स्वतंत्र हो, नहीं तो आप परतंत्र हो और प्रकृति के परतंत्र हो। कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्म जो है ना सभी रचना करता है, ब्रह्म के अंदर प्रकृति और प्रकृति और परा अपरा, तो ब्रह्म कभी बंधन में नहीं बनता जैसे एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव होता है।
नचतानि कर्माणि निमद्नन्ति धनंजया उदासीन अवदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। अब यहाँ समझिए कि हमें एज ए सी ओ या हम टॉप पर हैं तो कैसे काम करना चाहिए, ये भी इसमें ढंग से। नचतानि कर्माणि, वो सारे कर्म जो मैं कर रहा हूँ, सृष्टि का प्रभाव प्रलय सब कुछ कर रहे हैं, निमद्दन्ति धनंजया, लेकिन हम उसके, हे अर्जुन, हम उसके बनते नहीं उससे। उदासीन तासीन, उदासीन वत आसीन, वत माने समान, उदासीन की तरह बैठा हुआ, असक्तम अटैच भी नहीं होता हूँ, अनअटैच्ड। तेषु कर्मसु, उन सब कर्म में मैं अटैच नहीं होता हूँ, उदासीन की तरह बैठा रहता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानीय कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते, प्रकृति सूयते मीन्स पैदा करती है या चलाती है, करती है। सचराचरम, पूरे चराचर को, हेतु न, हेतु ना अनेन, इस कारण से, कौनते जग, ये सार हे अर्जुन, जगत दि परिवर्तते, ये जगत गतिशील है, क्रियाशील है, क्योंकि प्रकृति ही चलाती है। जस्ट लाइक चेयरमैन और एमडी, उस तरह से मान लीजिए, जैसे आप देखिए कि प्रकृति कैसे चलाती है। प्रकृति, देखिए प्रकृति का कोई भी चीज़, अगर कोई भी जीव जीवंत चीज है, उसमें तीन चीज़ें चाहिए। पहला स्ट्रक्चर, तीसरा मोबिलिटी, चौथा ग्रोथ। ठीक है ना, स्ट्रक्चर चाहिए, चाहे इंसान मानो, चाहे कीड़े मकोड़े मानो, चाहे पेड़ पौधे मानो, कुछ भी मानो, पहला स्ट्रक्चर चाहिए। दूसरा मोबिलिटी, वो अपने वो जड़ भी बढ़ाता है, ये करता है, पेड़ भी और कीड़े भी, सब मोबिलिटी चाहिए। और तीसरा ग्रोथ चाहिए, बड़े बड़े होने। तो तीनों के लिए तीन चीज़ें बनाई हैं, वात पित्त और कफ। वात इज ए काइनेटिक एनर्जी, मोबिलिटी, एयर, या आप कह लो सॉलिड लिक्विड एंड गैस। वात जो है दैट इज एयर, दैट इज गैस, गैसियस, मोबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी। कफ इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ए स्ट्रक्चर। और पित्त इज मेटाबॉलिक ग्रोथ, थर्मल एनर्जी। ठीक है, और तीनों चीज़ें हर एक में होती हैं। अब आदमी को खुद अपने को पहचानना पड़ेगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं बता देता हूँ। ईश्वर ने हमारे में 7 एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डाले हुए हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 7, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए। वो 7 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्या है वो आपको सुना देता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस टॉप का प्रोग्राम है, द नॉन वर्बल वर्किंग मेमोरी, वर्बल वर्किंग मेमोरी, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, अब इमोशंस कुछ आते हैं और फिर सबसाइड हो जाते हैं, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दी आर दी 7 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। वो हमारे ब्रेन फंक्शंस में डाले हैं, इससे सारी बॉडी ये चलती है। ठीक है ना, अब आप समझें कि वात और पित्त कफ इनसे कैसे रिलेटेड है। वात जो है, जिसका अच्छा होता है, जो वात प्रेडोमिनेंट होता है, उसका परसेप्शन बेटर होता है, उसकी सेंसिटिवनेस वो बेटर होती है, वो ऑल अराउंड क्या चल रहा है वो जल्दी सेंस कर लेता है कि ऑल अराउंड क्या चल रहा है जिसकी बात हो। और बेसिकली बात जो है एयर सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, आपके इमोशनल सिस्टम सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, गैसियस चीज़ों की। प्रकृति और अब आप आइए
मान लीजिए पित्त में आते हैं, तो पित्त क्या है? लिक्विड, जो आपकी बॉडी में, जो आपका ब्लड, समझे, आपका हार्मोन सिस्टम जितने भी हैं, आपका पसीना, ये सब पित्त से रिलेटेड है। वो जैसे वो गैसियस चीज़ें, आपके सर्कुलेशन जितना जो वात से रिलेटेड है, ये पित्त से रिलेटेड है। आपका यू वांट परफेक्शन, अगर आप पित्त डोमिनेंट हैं तो हर चीज़ आप परफेक्ट चाहिए आपको। अगर आपको परफेक्ट नहीं दिखा, आप इरिटेट हो जाएंगे, एकदम वो हो जाएगा। तो यू एक्सेप्ट द चैलेंज और एकदम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इमीडिएटली, एक्सेप्टिंग द चैलेंज। किसी तरह का चैलेंज आए, दैट यू आर एक्सेप्टिंग। मतलब बेसिकली अगर देखें तो इसे थर्मल एनर्जी, आपकी थर्मल एनर्जी स्ट्रांग है। आप आ जाओ कफ पे, कफ मीन्स स्ट्रक्चर, सॉलिड। जब कफ है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, वात वाले की मेमोरी सेंसिटिवनेस सब कुछ है, लेकिन मेमोरी शॉर्ट होगी। लेकिन कफ वाले की मेमोरी स्ट्रांग होगी काफ़ी। उस समझे, तो कफ वाले को, लेकिन कफ वाला जो है थोड़ा टाल मटोल हर चीज़ में करता है, प्रोकास्टिनेशन उसमें बहुत ज़्यादा होगा। अरे यार कल कर लेंगे, छोड़ो उसे पड़े। लेकिन अगर उसे कोई मोटिवेट कर दे और लग जाए वो काम में, तो छोड़ेगा नहीं काम को, परफेक्ट करके निकलता है। समझे, हर व्यक्ति में वात पित्त कफ होता है। जिस समय बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए बच्चा खूब हाथ पैर चलाता है, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पड़े हुए हैं और वो कहती है, कहलाती है उसकी प्रकृति। लेकिन जो आज हमारी एक पोजीशन है वो कहलाती है विकृति, क्योंकि हम अडेप्ट भी कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, अपने को चेंज भी कर लेते हैं। जब प्रकृति और विकृति सेम हो जाती है, बैलेंस कर देता है, तो वो आदमी स्वस्थ रहता है। जब विकृति ज़्यादा हो जाती है, उससे फर्क हो जाती है, डिफरेंट आ जाता है, तो आदमी अनहेल्दी हो जाता है, बीमार हो जाता है, डिसीजेस क्रिएट होती है। तो आदमी को अपनी प्रकृति खुद पहचाननी पड़ेगी कि हमारी प्रकृति क्या है और उसमें विकृति हमारी कहाँ आ गई है। वो आप डाइट से, लाइफस्टाइल से यू कैन करेक्ट इट। ठीक है, हाँ। तो ये श्लोक हम कह रहे थे, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। जो जगत क्रियाशील है, जो संसार क्रियाशील है, वो प्रकृति की वजह से क्रियाशील है। और मैं तो अध्यक्ष की तरह बनता नहीं हूँ किसी भी एक्शन में, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति सारे काम कर रही है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो लोग मुझे इंसान की तरह देखते हैं, हम पर्सनिफिकेशन हर एक चीज़ की कर लेते हैं, इंसान के विष्णु को चार भुजाएं हैं और ये है सब, जो ब्रह्म को जो है हम इस तरीके से जब जब देखते हैं, तो ये केवल हमें उतना ही कल्पना करो कि सगुण रूप देने के लिए। लेकिन अगर जो पूरी तरीके से वैसे जानने लगते हो, अब जानन्ति मां मूढ़ा, तो मूर्ख लोग हो जाते हैं अगर केवल उसी तरह इंसान की तरह मुझे सोचने लगे कि मेरी फीलिंग, मेरी सब चीज़ें इंसान की तरह हैं। और तो इस तरह से हम आश्रित नहीं हैं, परम भाव मजान, मेरे भाव परम है, वो उस परम भाव को जानते नहीं हैं, अजानन, तो उस भाव को वो समझ नहीं रहे हैं। मम भूत महेश्वर, मैं सब प्राणियों का महेश्वर हूँ, मेरे भाव परम हैं। लेकिन अगर मुझे एक इंसान के रूप में, किसी चीज रूप में बांध के आप सोचते हो, तो वो जो है सही नहीं। मोहाशा मोग कर्माण मोघ ज्ञाना विचेत सा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहरीशता। ने बताया कि लोग ऐसे जो उनकी मोह आशा जो है व्यर्थ है, मोह कर्माण उनके कर्म भी व्यर्थ है, जो इस तरह से मुझे इंसान की तरह सोच के उसको इमेजिन कर लेते हैं, और मोह ज्ञाना उनका ज्ञान भी जो है ना वो व्यर्थ है, वो विचेत सा, वो विचित्त चित्त वाले हैं। राक्षसी माशुरीम चाहे
वो राक्षसी और मासुरी प्रवृत्तियों की तरफ जल्दी बढ़ जाते हैं और प्रकृति मोहिनी सरता और उससे वो मोहित रहे वो मोह का आश्रय ले लेते हैं। तो जब भी हम ये सोचें कि भगवान विष्णु की तरह हैं या कृष्ण की तरह हैं लक्ष्मी की तरह हैं, वो नहीं है, तो आप मनुष्य की तरह सोचने लगे, आपकी थिंकिंग मनुष्य की तरह। अब मैं परम भाव है तो मनुष्य की तरह हमारी थिंकिंग नहीं है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा लोग हैं वो माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता और मेरी दैवी के प्रकृति से आश्रित तो रहते हैं, लेकिन भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से हमें भजते हैं कि दूसरा ऐसा कोई नहीं है जैसा कि ईश्वर परमेश्वर है। वो वैसा दूसरा हम किसी से कल्पना किसी से मिला के नहीं कल्पना करते हैं, अनन्य मन से भजते हैं कि नहीं दूसरा ऐसा कोई है ही नहीं। अब वो अव्य है भूताम अव्ययम्, वो जो भूता वो जो है अव्यय है, उनका विनाशशील है, सब कुछ अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है, तो उनसे बात के कल्पना नहीं करते हैं। सततम कीर्तियंतो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम कीर्तियंतो माम, वो हमेशा हमारे भजन हमारा कीर्तन करते रहते हैं और यतन्तस्य दृढ़व्रता और सारा जो है प्रयत्न करते हैं दृढ़ संकल्प होकर, उसकी फ्लिकरिंग नहीं होती। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या और पूरे भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी तरफ ही हमेशा उनका झुकाव रहता है। नित्य युक्ता उपासते, वो नियत योग में हमेशा योग में रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। सभी भूत प्राणी जाते कल्पांत में मेरी प्रकृति को प्राप्त, कल्प आदि में मैं अर्जुन फिर रचू कर सृष्टि में व्याप्त। परा प्रकृति में रूप में फिर परा प्रकृति रूप में फिर सृष्टि जनहित करूं प्रवेश। सब प्राणी पूर्णतः प्रकृति बस कर्मानुसार धर विभिन्न वेश। वे कर्म उनके बांधे न मुझको, पराशक्ति जो बंधन न उसको। उदासीन वत अनासक्त स्थित उन कर्मों में न संबंध इसको। मेरी अध्यक्षता के कारण प्रगति प्रकट, मेरी अध्यक्षता के कारण प्रकृति प्रकट। करती जड़ संगम सहित सभी निकट, इसी के हेतु सर्वदा से हे अर्जुन सुन। इसी के हेतु सर्वदा से हे अर्जुन सुन। क्रियाशील हो जगत रचे सृष्टि विकट, मेरी अध्यक्षता के कारण प्रकृति प्रकट। करती जड़ संगम सहित सभी निकट, इसी के हेतु सर्वदा से हे अर्जुन सुन। क्रियाशील हो जगत रचे सृष्टि विकट। नहीं जानते परम भाव को न मेरा मानव अवतार, नहीं जानते परम भाव को न मेरा मानव अवतार। जीव महेश्वर से मूर्ख जन करे अवज्ञा का व्यवहार, जीव महेश्वर से मूर्ख जन करे अवज्ञा का व्यवहार। व्यर्थ हो आशा व्यर्थ कर्म सब, व्यर्थ ज्ञान विक्षिप्त हृदय। व्यर्थ हो आशा व्यर्थ कर्म सब, व्यर्थ ज्ञान विक्षिप्त हृदय। उनकी प्रकृति राक्षसी आसुरी मोह भाव का ले आश्रय। दैवी प्रकृति में आश्रित होती आत्मा महान, आदि स्रोत सब जीवों का मुझको पहचान। दैवी प्रकृति में आश्रित होती आत्मा महान, आदि स्रोत सब जीवों का मुझको पहचान। अर्जुन मुझको परम तत्व
अविनाशी जान अर्जुन मुझको परम तत्व अविनाशी जान अनन्य मन से भजते कर मेरा गुणगान कीर्तन करते हुए सदा करे मेरा यशगान कीर्तन करते हुए सदा करे मेरा यशगान पूर्ण यत्न करे पा जाने को प्रभु स्थान योग युक्त उपासना करे नित ही पूजते हुए योग युक्त उपासना करे नित ही पूजते हुए दृढ़ प्रति नमन करे भक्ति पूर्वक कर ध्यान लर्निंग The first learning is the cycle of creation. What is its duration? When it was started and when it will be complete and it will be restarted. So the learning says that one kalp is the cycle of creation. So in the beginning of the kalpa, there was nothing. On creation was started and creation will end at the end of the kalp and after this kalp again the creation will be started so there is one complete cycle of creation the second learning is that divine nature creates and controls all beings We all, whether we are human being or any creature, we all are controlled by the nature. We know all that there are two types of nature of prakriti, para prakriti and apara prakriti. Para prakriti is from Paramatma and it takes form of Purusha and apara prakriti is the nature which we are seeing. So everything is created, whether it's human being or any other creature. All these are created by the nature with the help of Paramatma. So we can say that divine nature creates and we all are also controlled by the nature. We are seeing that every human being is behaving differently. They are having problems in a different way. In Ayurveda, they have been classified into Vata, Pitta and Kapha. So, this learning says, the second learning this says that divine nature creates and control all beings. The third learning is, though incarnation is there in human form, gods come on the earth in the human form, but they are different from ordinary human being. Though they behave like an ordinary human being, But actually they are different from the human being. They behave to show to the normal human being how one should remain calm and do their duty patiently. So we should never degrade if there is a person you can say as an incarnation. Lord Krishna says that he was disregarded as a human being by some people who does not know the things in a proper perspective. So learning is that incarnation always behave in a different way.
they are not like ordinary human beings. The fourth learning is the great souls always remain devoted in the Supreme Being. With full belief and faith. So, the person who are not devoted to the Supreme Being, he may have to suffer. That is why it is the duty of we all that we should have faith in the God and be devoted fully. We should sing songs in his devotion with our heart and soul. Thank you, friends. If you like this video, please put the like and subscribe so that I am motivated to create more such videos.